बेवकूफ बना रहा दुनिया 100% बेवकूफ बना रहा है। मैंने इसको पहले भी बोला था एक बार, सही बता दे। करता है शक्कर के साथ मैंने एसेंस मिलाता है और ये सारा सब, ये तो ये सब बांग्लादेशी है। जिस जगह तुम बोल रहे हो आर्मी के एरिया से तोड़ के लाए हम, क्योंकि आम जनता जा नहीं सकती वहाँ। कल तोड़ा तो वो बुला, कहाँ से तोड़ा बताओ मुझे। वो बता रहे आर्मी वाले तुम्हारे को बुलाएंगे, आर्मी वाले मिलिटेंट को पाकिस्तान में घुस के मार के लेके आ जाते हैं और मधुमक्खी का छत्ता तोड़ने के लिए तुम्हारे को बुलाएंगे। क्या बेच रहे हो? अच्छा मेरे पहचान लिया। आप तो नहीं पहचानेंगे। क्या क्या नाम है आपका? क्या नाम है? गोपाल। गोपाल कहाँ के रहने वाले? यूपी के। यूपी में कहाँ के? आई कार्ड, वो आई डी कहाँ आपकी? आई डी किसके पास? आई डी किसके पास? हरदोई के। शायद क्या भाव दिया आपको? बोला था नहीं, अभी बता क्या भाव दिया? 450। आपका क्या नाम है? हैं, क्या नाम? पप्पू। पप्पू, पप्पू आई डी कहाँ? देख लो आपकी। अरे की, अरे हमारी है ये, देख ये पप्पू की आई डी। हाँ, दौलतपुरा हरदोई उत्तर प्रदेश। अच्छा, ये कैसे तोलते हो सेद? ये इतना सेद एक साथ कैसे लेकर आते हो? ये मिलिट्री हॉस्पिटल। कहाँ से? मिलिट्री हॉस्पिटल। मिलिट्री हॉस्पिटल आर्मी वाले से? हाँ, वहाँ तोड़ते हैं, बुलाते हैं हमको निकल। बुलाते हैं? हाँ। कौन बुलाता है? मिलिट्री वाले। मिलिट्री वाले कैसे बुलाते हैं? वो फोन नंबर है जैसे आपके पास? उनका आप उनके पास आपके? तो कौन से नंबर दिखाओ मेरे नंबर? अरे हमारे बंदे दूसरे के पास। कौन से बंदे के पास? वो दूसरा है वहाँ, वो हमारा भाई लगता है गांव में। गांव तुम आप आईडी किसके पास है? इधर आओ सारे, इधर आओ पूरे, इधर खड़े हो। अरे इधर आओ, तुम भी इनके साथ है? इधर खड़े हो पूरे। ये शायद ओरिजिनल है? हाँ ओरिजिनल है। और क्या? अरे हम नंबर, आईडी किसके पास है? अपनी आईडी किसके पास? सौ नंबर फोन का शायद ओरिजिनल है, डुप्लीकेट में बताऊंगा। कौन सा? ये शायद ओरिजिनल है? ये ओरिजिनल है? इसी से भरा है सर। ये ओरिजिनल है शायद? ये शायद है? अरे इसको ऐसे दे। ये शायद है क्या? अरे इसको ऐसे पानी बना लगा। पानी ये शायद है क्या? और क्या? सौ नंबर फोन कर देखो, देखो नकली। अरे इसको नहीं देखना, मैं ओरिजिनल शायद का ही काम करता हूँ। ये सेद है पूरा ही। ये लटकन ले। सौ नंबर फोन कर। कितने वर्ष हो गए ये काम करते हो? अरे आते हैं यही 15 दिन तक रहते हैं, फिर चले जाते हैं। क्या सर, बच्चे छोटे छोटे, बच्चों की बात मत कर। ये क्या है? चाशनी नहीं है? चाशनी सच बोल। आप सच बता रहे हैं? ये चाशनी नहीं है? तोड़ कर कहाँ ने तोड़ा जो वहाँ दिखा दे। ये शहद, शहद इसमें नहीं होता कभी? किसको बेकू बना रहा है? इसमें इसमें शहद होता है क्या? ये मधुमक्खियों का अंडा होता है इसके अंदर? मोम बनता है, मोम इसके इसके अंदर अंडा होता है। इसमें अंडा होता है, शहद नहीं होता। मुझे क्या बेवकूफ बना रहे? अरे सहे तीन में सर हो। सच बोल, अभी भी सच बता रहे हैं क्या सर? पुलिस बुला। रंद्रे भान सर सहद ही है। अरे सहद कौन, चास नहीं है? हैं क्या सर? क्या है सर? सच सच बताए, कहाँ से लाया? सच मिलिट्री थोड़ा नंबर मिले रो। हाँ फोन लगा, हाँ फोन लगा, मिलिट्री फोन लगा। कहाँ से तोड़ा पता? अभी हमारे बंदे तोड़ रहे हैं, आर्मी में तोड़ रहे हैं। नहीं कल तोड़ा तू, जहाँ तोड़ा हुआ छाए दे। हाँ बात कर रहा हूँ। हाँ सागर यहाँ तोड़ला। हाँ बात करा। हाँ मेरे फौजी से बात करा, जिस जहाँ से तोड़ा। नहीं फौजी साथ बैठ, मेरे गाड़ी में बैठ मेरे साथ। अरे हम कौन गया था तोड़ने? वो दूसरे बंदे। हाँ उस बंदे को इधर बुला। तोड़ो यहाँ कहाँ? कौन गया तोड़ना तुम्हारे में से? तुम्हारे में से कौन गया? दूसरे बंदे तोड़े। दूसरे कौन गया? वो दूर कौन गया? कितना पाप किया? सेठ नहीं है गुरु? ये शहद है? ये शहद है? मेरी बात सुन ले, बहुत पछताएगा, अभी भी सच्चाई बता दे। ये शहद है? ये शहद है क्या? मैं आपको पूछ रहा हूँ। शहद है सर। ये मैं मोम की बात नहीं कर रहा हूँ, ये ओरिजिनल शहद है क्या?
सर मिक्स है थोड़ा बहुत। अरे शहद है ही नहीं इसके अंदर। इधर आ जाए, इधर कहाँ गया वो एक और। हाँ इधर इधर आ जाए, इधर आ जाए। तू भी क्यों मान रहा है? अभी भी सच बताइए, नंबर मिला कहाँ गया? नंबर मिलाने वाला नंबर मिला नंबर मिला कहाँ से तोड़ा मुझे बताओ ना। अरे अभी हम बता, अरे कहाँ से तोड़ा? मैं साथ चलता हूँ ना मिलिट्री में, कहाँ से तोड़ा? तुम दे गए अंकल जी, चक्कर रुपया नहीं है जना, जूता क्यों नहीं ठोको है? तुम्हारे जैसे 100 पकड़े मैंने, बोल मिला उसको। और मैं मिलिट्री, मैं खुद आर्मी से हूँ, ठीक है? तुम आर्मी को बदनाम कर रहे हो ऊपर से या मिलिट्री से? अरे मैं लेके जाऊंगा, ठीक है? जहाँ बंदे तोड़ते हैं सर, जहाँ बंदे नहीं, जिस जगह तुम बोल रहे हो आर्मी के एरिया से तोड़ के लाए हम, क्योंकि आम जनता जा नहीं सकती वहाँ। कल तोड़ा तो वो बुला, कहाँ से तोड़ा बताओ मुझे? आर्मी वाले तुम्हारे को बुलाएंगे, आर्मी वाले मिलिटेंट को पाकिस्तान में घुस के मार के लेके आ जाते हैं, और मधुमक्खी का छत्ता तोड़ने के लिए तुम्हारे को बुलाएंगे? किसी को लगता है कि ओरिजिनल शहद है? तो आपने भी खाया होगा, छत्ता सूखने के बाद में शहद रहता है क्या उसका? अरे नहीं नहीं, तो जबरदस्ती डाले ही होते। मेरे माए ने माँ क्या इंडा हुआ है? और इधर आ जाओ, कहाँ जा रहे हो? इधर आओ सारे, इधर बैठो। ये शहद बेचने वाले पूरे इधर आओ, सब फर्जी है, शक्कर मिक्स है। इधर बैठो बना, यहाँ गाओ, हट बैठो पूरा, इधर बैठो। इधर शहद बेचने वाला हो ना आप? हाँ सच बता दे, अभी भी छोड़ दूंगा। और सच सच बताओ, सच्चाई क्या है? सच्चाई क्या है? ये है क्या, बोतलों में क्या भरा है? बोतलों में यही भरा है। क्या है सच बोलो, अभी भी शहद है? अभी भी शहद है? फिर मत बोलना ये शहद है। मैं आर्मी एरिया में लेके चलूंगा आपको। मिलिट्री वाला हमारे पास नंबर नहीं है, क्यों नहीं है? मिलिट्री वाला उसको पूछा दिया। नहीं नहीं मैं मिलिट्री वाला में लेके चलूंगा, आपने बोला ना मैं आर्मी एरिया से लेके आते हैं। अभी भी सच्चाई बोल दे, बाद बहुत महंगा पड़ेगा। क्या सर सच्चा बोलेगा? इसमें चाशनी मिक्स नहीं है क्या? चाशनी नहीं, इसमें क्या मिला देंगे? मैं कह रहा हूँ चाशनी मिक्स नहीं है। हमारे पास 2-4 किलो मद है, आप तुम बता रहे हो ये नहीं। चाशनी मिक्स नहीं है इसमें, क्या मिक्स है? चलो लेबोरेटरी में चेक करा दें और क्या बताएं। मैं वही लगा रहा हूँ। हाँ तो फिर लगाओ। ये शहद है ना? अब शहद नहीं है क्या? शहद को प्लास्टिक की बोतल में कौन डालता है? क्या बताएं, तब हम बता रहे हैं। सच बोलना। हाँ, तो अपने बच्चों के कसम खा के इसके अंदर एक बूंद भी चास नहीं। अगर बच्चों का जो बच्चे बढ़ के अगर इसमें पानी लग मिक्स हो और क्या? चाशनी की बात कर रहा हूं। हां चाशनी मिक्स हो और क्या बताएं? कुछ भी नहीं है, कुछ भी मिल नहीं मिल। तेरे में भी नहीं है? अरे हम क्या सर, हम सब संग ही में है और क्या बताए तुम्हारे। हम नहीं मानते हो, अपने एक बोतल ले के रख ले, अगर ये जम जाए तब बताना। शहद तो जमता है। हाँ तो अगर तो जमता है तो सर्दी में जमता है। सर्दी में क्या कह रहे तू? सर्दी में ये शहद है प्योर। अब क्या नहीं, प्योर शहद है। लाल कर दूंगा अभी, एक मिनट लगेगा, मेरा काम ही आयुर्वेद का है। ज्यादा होशियार है क्या? बेकूफ बना रहा दुनिया, 100% बेकूफ बना रहा है। मैंने इसको पहले भी बोला था एक बार, तेरे को बोला नहीं था उस दिन? हम तो कल तो आए, अभी लाल कर दूंगा मुँह, एक मिनट लगेगा। ये पब्लिक है, रोकना मुश्किल हो जाएगा। अभी भी सच्चाई बता दे। मैंने ये क्या करता है, शक्कर के साथ मैंने एसेंस मिलाता है और ये सारा सब, ये तो ये सब बांग्लादेशी है। देखा कभी शहद कैसा होता है? आई कार्ड मांग, इनके आईडी मांग रहा हूँ, किसी के पास आईडी यही नहीं इसके पास। पकड़ाओ इनको, सालों का मामला महंगा होगा सर। ऐसा है आप कहीं पे भी चले जाओ मंडी। अरे मैं तो इनको पकड़ा है पिछले साल, 1 क्विंटल खाली कराया है। ये क्या करता है? अभी भी बोल रहा हूँ ओरिजिनल शहद है, अभी भी सच बताओ। हाँ तो क्या है? अरे जो शहद है और क्या है, क्या है? क्या है बोल रहा है सर? तो, नहीं थोड़ा बहुत मिक्स। इसमें क्या है? थोड़ा बहुत मिक्स कर लेते हैं। इधर आओ, बाकी पूरे कितने शहद वाले इधर आओ पूरे। क्या नाम क्या तेरा? पप्पू। तेरा क्या नाम है? हैं तेरा क्या? खड़े हो जा, खेत में काम करके नहीं आया दुनिया को। क्या नाम है? गौरव। एक और कहाँ गए हो? शहद वाला इधर, शहद वाला कौन है? कहाँ गए हो बाकी तुम्हारे? कहाँ गए बाकी? पूरा शहद इधर इकट्ठा करो, सारा इधर लेके आओ। कितना मिक्स है? सच सच बता। थोड़ा बहुत मिक्स। सच बता अभी भी। भगवान को, भगवान को शास्त्री मान के इसमें और थोड़ा। क्या क्या मिक्स किया हुआ है? खाली अरे
क्या है? थोड़ा चीनी और बस। नहीं चाशनी कहाँ से खरीद के लाते हो? सच सच बताओ। हाँ तो दुकान पे और कहाँ। क्या है? थोड़ा बहुत सेहत है और बाकी आधा बहुत कर ले। कितना सेहत? अरे सेहत है इसमें 2-3 किलो। सच बता दे अभी भी। बच्चे से बढ़ के नहीं सर और क्या बता। तूने बच्चे की कसम खाई थी पहले? कसम झूठी कसम खाई नहीं। थोड़े बहुत तो अरे सर नहीं मारूंगा। सच सच बता क्या है? सच जोर से बोल दे। पूरी नकली है कि नहीं? बहुत सारे लोग पिछली बार बोल रहे थे कि गरीब को परेशान नहीं करना चाहिए। ये गरीब कितनी मशक्कत के बाद में सच बोल रहा है। ये गरीब जो है कितने लोग हम 2 घंटे से लगे हुए इधर। हाँ इसको तो बोल रहा था फोन नंबर भी दे दो। ओरिजिनल से दे घर पे पहुंचा देंगे बोल रहा था ना सर। कहाँ तो तोड़ के तेरी ऑडियो रिकॉर्ड है। जब मैंने फर्स्ट में मैं आया था तेरे से बात की थी ना। हाँ तेरी वो बात पूरी रिकॉर्ड है मेरे पास। तूने क्या बोला? फोन नंबर दे दो मैं घर पर भी डिलीवर कर दूंगा। घर पर नहीं ये कह रहा है तो सामने जहाँ पर भी हो गए मतलब डिलीवर कर दूंगा ये वर्ड बोला था। अब ये क्या है? ये जो मेरे साथ आया था एक लड़का वो अपनी माँ की दवाई के लिए सेहत लेने के लिए आया था। और बीमारी तो तुम सेहत तोड़ के लाते हो तो सेहत ही क्यों नहीं बेचते? चीनी क्यों मिलाते हो? नहीं अब थोड़ा बहुत सर मिक्स। तो झूठ किस लिए बोला? मैं तुम्हारे पहले ही बोला था कि तुम्हारे पास नकली चीज है। अब मुझे मेरी बात सुन। इधर बैठ इधर नीचे बैठ। जोधपुर में दोबारा कहीं भी दिख गए तो ये सारे लोग है ना जोधपुर कोने कोने से आते हैं। कहीं भी दिखते हैं मुझे फोन कर देना। जोधपुर छोड़ के निकल जाना। ठीक है ठीक है आज के बाद कभी गलती करोगे? अभी ये बता कि आपके इसमें सेहत में क्या था? चीनी का। कभी करोगे ऐसा कुकर? नहीं नहीं। क्या नुकसान होता है पता है? नुकसान का पता है? जो सेहत लेके जाता है कौन लेके जाता है? दवाईदार। क्या इससे दवाई बनेगी? नहीं। 100%? हाँ 100%। जिस टाइम तुम ये बोल देगा कि ये पूरी चाशनी है और हम इसको दुनिया को बेवकूफ बना के बेच रहे हैं उस टाइम मैं तुम्हारी सिफारिश कर सकता हूँ। सच बताओ क्या यही सच्चाई? क्या सच्चाई? चीनी मिला के सर। अभी भी मिलावन वाला काम चल रहा है। हाँ बस मतलब प्योर चीनी नहीं थी? नहीं पीवर नहीं सेहत था। नहीं मिलावट वाला। कितने परसेंट? और तुम ये पता है ये यहाँ कौन रहता है? पता है तुम्हारे कौन रहता है? हम पढ़े लिखे सर। पढ़े लिखे नहीं तो ये दिमाग कहाँ से है कि सेहत के अंदर चीनी मिक्स हो सकती है? ये पीछे पुलिस लाइन है मतलब जोधपुर की पुलिस का जाब्ता यहाँ रहता है और उसकी छाती पे तुम बैठ के ऐसे मुंह डाल रहे हो। अरे होएगा सर। आधा पानी भी डाल दे। आधा पानी भी डाल दे। पानी और चीनी के अलावा क्या है इसमें? और कुछ नहीं डाल। दोस्तों बहुत सारे लोगों के बहुत तरह तरह कमेंट आएंगे लेकिन कमेंट से कोई फर्क नहीं पड़ता। लगभग 2 साल पहले इसी प्रकार एक माता जी ने इन लोगों से सेहत लिया था और वो दवाई लेती रही सेहत के अंदर और लास्ट के अंदर उनका जो है बीमारी वो बढ़ता रहा। उसी के चलते मैंने 2 साल पहले इनको पकड़ा था और आज फिर पकड़ा है। इस प्रकार के जो लोग हैं इनके पास 1% भी सेहत नहीं होता। ये सिर्फ चाशनी को जो वेस्टेज चाशनी होती है वहाँ से खरीदते हैं और जो फेंकने लायक हो जाती है कई दिन तक जो जलेबी वगैरह बन जाती है और उसके बाद में चाशनी जो बचती है उस चाशनी को खरीदते हैं 5 रुपये किलो 10 रुपये किलो और फिर उसके अंदर जो है केमिकल डाल के सेहत जैसा फ्लेवर बना के बेचते हैं। मैं ये नहीं कहता कि बड़ी बड़ी कंपनियाँ इस प्रकार के घोटाले नहीं करती। सारी कंपनियाँ इस प्रकार के घोटाले करती हैं और अगर हम सब जो लोग जागरूक होंगे और इस प्रकार के जहरीली चीज़ें नहीं खरीदेंगे तो वो कंपनियाँ भी ठप हो जाएगी और इस प्रकार के जो लोग हैं उनको अगर हम पकड़ने का काम नहीं करेंगे तो ये लोग बढ़ते जाएंगे। इसलिए जहाँ मिले उन लोगों को समझा बुझा के कि इस प्रकार के कर्म नहीं करो। इस धरती पर बहुत सारे ऐसे काम हैं जिसको करके आप अपना जीवन यापन कर सकते हो बनिस्पत किसी चोरी किसी मिलावट किसी घूसखोरी के। तो इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया और इसीलिए इन लोगों को जो है कितना मतलब मशक्कत करने के बाद में इन्होंने सच बोली और सच सामने लाने के लिए ही मैं आप लोगों को ये वीडियो दिखा रहा हूँ। मुझे ये पता है कि सबको ये वीडियो अच्छा नहीं लगेगा लेकिन फिर भी मैं वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये वीडियो अच्छा लगेगा और बहुत सारे लोगों को जानकारी मिलेगी कि ये सेहत नहीं जहर था। इसीलिए आप लोगों से निवेदन है कि वीडियो शेयर करें और लोगों में जागरूकता फैलाएं। इस प्रकार से जो लोग हैं उनसे इस प्रकार की घटिया चीज़ें नहीं खरीदें और आपके आसपास भी ऐसे लोग हों तो आप लोग भी सावधान रहें। मैं आपका फौजी भाई फिर हाजिर हूँगा किसी एक वीडियो के साथ। तब तक जय हिंद जय भारत।